पान या बीटल लीफ के बारे में कौन नहीं जानता है। पान लोगों में इतना ज्यादा फेमस है कि इस पर तो एक गाना भी फिल्माया गया है जिसका नाम है खई के पान बनारस वाला। जी हाँ, जहाँ एक ओर पान का इस्तेमाल पूजा पाठ आदि शुभ कार्यों में किया जाता है तो वहीं दूसरी ओर लोग इसे यूं भी खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पान एक जड़ी बूटी की तरह भी काम करता है और पान के कई औषधीय गुण भी हैं। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पान के इन्हीं औषधीय गुणों की और बताएंगे कि कैसे पान से आप गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास पेशकश सेहतनामा। पान को नागबल्ली, श्रीवाटी, अम्लवाटी और अम्लरसा भी बोला जाता है। बहुत साल पहले से पान का इस्तेमाल व्यवहार, मोह शुद्धि, सुगंधि और रुचि वृद्धि के साथ साथ पूजा पाठ, शुभ कार्यों और उत्सव में किया जाता है। इसके पत्ते पीपल के पत्तों की तरह बड़े और चौड़े होते हैं। पान के पत्तों का रंग हरा होता है। आपको बता दें कि बनारस में होने वाला पान सबसे अच्छा माना जाता है। ये तो बात हुई कि पान कहाँ और कैसा होता है, अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की। क्या आपको पता है कि सिर दर्द, आंखों की बीमारी, कान दर्द, मुंह के रोग, बच्चों की सर्दी में पान के इस्तेमाल से फायदे लिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुकर खांसी, सर्दी जुकाम, हृदय रोग, सांसों के रोग में भी पान के औषधीय गुणों से लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार आप सूजन, फाइलेरिया, शारीरिक कमजोरी और यहाँ तक की नपुंसकता में भी पान के औषधीय गुणों से फायदा ले सकते हैं। साथ ही दुबलेपन की समस्या, घाव, मिर्गी, बुखार और तो और सांप के डसने पर भी पान से लाभ मिल सकता है। सरदर्द होने पर पान के इस्तेमाल से लाभ मिलता है। इसके लिए आपको केवल कान के चारों तरफ पान के पत्तों को बांधना है, इससे झट से आराम मिलता है। इतना ही नहीं, पान के इस्तेमाल से आप आंखों के रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको पान के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर इसे काजल की तरह आंखों में लगाना होगा। पान के गुण यही नहीं खत्म होते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पान के इस्तेमाल से आप सांप के जहर को भी आसानी से मात दे सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सांप के डसने पर पान से भी लाभ मिलता है। इसके लिए बस आपको पान के रस को सांप के काटने वाले स्थान पर लगाना होगा, इससे सांप के डसने से होने वाला नुकसान कम होता है। इसी के साथ ही जो लोग दुबलेपन के शिकार हैं और परेशान हैं, उनके लिए भी पान एक रामबाण इलाज है। जी हाँ, पान के सेवन से आप दुबलेपन का भी इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पान के पत्तों का 10 मरीच के साथ पीसकर इसे ठंडे पानी के साथ पीना है, इससे दुबलेपन की समस्या दूर होती है। देखा जाए तो पान जहर को खत्म करके आपके शरीर को ताकत देता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पान मसाले के साथ ही चबाना शुरू कर दें, बल्कि इसका सेवन वैसे ही करें जैसा कि हमने आपको बताया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।